हेलो एवरीवन, आज मैं एक छोटा सा वीडियो पोस्ट करने वाली हूँ कलौंजी के हेल्थ बेनिफिट के बारे में। एकदम छोटा सा वीडियो मैं आपसे शेयर करूँगी, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। मतलब इसका क्या लेवल होना चाहिए, हमने कितना अमाउंट में उसको डेली का इंटेक हमारा रहना चाहिए और किन लोगों के लिए फ़ायदेमंद है और किसने इनका सेवन नहीं करना है और कितना बेनिफिशियल है, किन किन बीमारियों के लिए अच्छा है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। कलौंजी क्या है? कलौंजी एक सीड रहता है जो कि सेम दिखता है अपने तिल के बीज के समान, लेकिन तिल का बीज थोड़ा फ्लैटनिंग वाला रहता है। ये थोड़ा मतलब सिलेंड्रिकल टाइप का रहता है। मैं आपको दिखा देती हूँ, मतलब एक आइडिया आ जाएगा कि कलौंजी कैसा रहता है। आप देख सकते हैं कलौंजी का ये सीड है, सेम है तिल के बीज के समान ही है, लेकिन आप एक दाना देखोगे तो ये अलग आएगा इसका दाना। मैं इसके न्यूट्रिटी वैल्यूज के बारे में आपसे शेयर करूँगी। आप अगर 100 ग्राम का कलौंजी अगर लेते हो तो उसमें आपको मिलेगा 344 किलो कैलोरीज आपको मिलेगी। उसमें क्या आपको मिलेगा, 15 ग्राम फैट मिलेगा, 52 ग्राम कार्ब मिलेगा और 25 ग्राम आपको प्रोटीन मिलेगा। इसमें मुफा फूफा और सैचुरेटेड फैट है। सैचुरेटेड फैट बहुत कम है, एक्चुअली 0.5 mg का सैचुरेटेड फैट इसमें है। इसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा नहीं है और इसमें जो अपना आयरन है, आयरन 18.5 mg है, बहुत अच्छा आयरन है इसमें। पोटेशियम से भरपूर है, विटामिन ए से भरपूर है, विटामिन सी इसमें 25 mg है। हमारा डेली का जो बॉडी का नीड है विटामिन सी का, वो ऑलमोस्ट 75 या 50 mg का है। अगर हम कलौंजी खाते हैं तो हमें थोड़ा बहुत विटामिन सी भी मिल जाएगा और इसमें पोटेशियम भी भरपूर मात्रा में है, अपनी कैल्शियम है और इसमें अच्छे मात्रा में आयरन, पहले तो सबसे पहले आयरन रिच है। इसमें 15 तरह के कई अमाइनो एसिड इसमें पाए गए हैं और कलौंजी में रिसर्च स्टिल गोइंग ऑन है। कलौंजी वेट लॉस के लिए अच्छा है। क्यों है वेट लॉस के लिए अच्छा? क्योंकि कलौंजी में एक एंजाइम एंटीबायोटिक एंजाइम है जो कि फैट सेल को कम करता है। अगर आप डेली का अगर एक मतलब ज़्यादा तो नहीं, लेकिन आप 4-5 दाना अगर रोज़ खाते हो तो ये सेफ लेवल है कलौंजी के इंटेक का। तो आप इतना अगर सुबह थोड़ा सा गर्म पानी करके, गुनगुना पानी करके आप उसमें हाफ टी स्पून आप कलौंजी उसमें डाल दो और पी लो तो आपका वेट लॉस मतलब बहुत जल्दी तो नहीं लेकिन हेल्प करता है फुल। मतलब इसमें फाइबर की मात्रा भी बहुत ज़्यादा है, 15 ग्राम या आपको फाइबर कलौंजी में मिलेगा। कलौंजी डायबिटीज़ के लिए भी अच्छा है, वो ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में लाता है और ब्लड बीपी जो है वो भी कंट्रोल में लाता है और ये इन्फ्लामेशन, शरीर में जो अंदरूनी इन्फ्लामेशन है, सूजन है, उसको भी कम करता है। प्रेगनेंसी में इसे खाना अलाउ नहीं है। एक्चुअली इसकी जो तासीर है, कलौंजी की तासीर थोड़ी गर्म होती है। जिनको बॉडी में अंदर में गर्माहट लगता है, उन्होंने जिनको गर्मी से एलर्जी है, गर्म चीज़ों से खाने से एलर्जी है, उन्होंने इनका सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि इसकी तासीर गर्म है। और जो प्रेग्नेंट लेडी है वो तो नहीं, लेकिन आफ्टर लैक्टेशन पीरियड में जो लेडीज़ हैं वो थोड़े बहुत कम मात्रा में कलौंजी खा सकते हैं। और उसी तरह कलौंजी स्किन के लिए अच्छा है, हेयर्स के लिए अच्छा है, हेयर फॉल, हेयर डैमेज के लिए अच्छा है। एक्चुअली इसमें कलौंजी में जो एंटीबायोटिक्स है वो एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी भी कलौंजी में है। वो कैंसर जो फ्री रेडिकल्स रहते हैं बॉडी में वो ख़त्म करने की कोशिश करता है। ये कैंसर भी प्रिवेंट कर सकता है कलौंजी। कलौंजी का नुकसान तो कुछ नहीं है, लेकिन अगर आप कोई भी चीज़ एक्सेस में खाते हो तो उसका नुकसान तो आपके बॉडी को झेलना ही पड़ेगा। बी सेफ मीन्स आपको हाफ टी स्पून डेली का अगर आप इंटेक करना चाहते हो कलौंजी का तो हाफ टी स्पून इज़ बेटर। 4-5 सीड्स अगर आप लेते हो ये तो सबसे बेटर है। आप 4-5 दाना ही आप डेली का इंटेक रखो। आप स्मूदी बना के ले सकते हो या फिर आप कुछ मतलब जो भी आप रोटी में भी डाल सकते हो, रोटी का जो आटा है उसमें भी डाल दो तो आप रोटी बना सकते हो, या फिर आप गुनगुने पानी में कलौंजी और हनी मिश्रण करके आप पी लो, वो भी वेट लॉस के लिए फ़ायदेमंद होगा। और भी बहुत कई तरह के
हेल्थ बेनिफिट्स कलंजी में पाए गए हैं। सो मैं एक छोटा सा वीडियो अपना यहीं पे ख़त्म करती हूँ। अगर आपको ये कलंजी का वीडियो अच्छा लगेगा और कुछ इससे संदर्भ कुछ आपके क्वेश्चंस होंगे वो आप मुझे कमेंट में कर लीजिए, और आपको कुछ इसी तरह के हेल्थ बेनिफिट जो भी जिसके भी फ़ायदे आपको जानना है आप मुझे कमेंट कर लीजिए, मैं उस पर वीडियो बनाऊँगी। और अगर आपको सच में मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।